हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप एग्रो फील्ड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो हिबिस्कस यानी गुड़हल प्लांट पर है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसे मेथड के ऊपर बात करेंगे जिसकी सहायता से आप गुड़हल के एक ही पौधे में कई रंगों के फूल खिला सकते हैं। इसके लिए हमें ग्राफ्टिंग करनी होगी। हिबिस्कस के एक प्लांट में मैं 3 अलग अलग रंगों वाली हिबिस्कस की ग्राफ्टिंग करने वाला हूँ। डिफरेंट कलर वाले फूलों की ग्राफ्टिंग करने के लिए हमें ऐसे अलग अलग हिबिस्कस के पौधे से पेंसिल के थिकनेस का ब्रांच लेना होगा जिसके हर पौधे में डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आते हों। दोस्तों, मल्टी ग्राफ्टिंग करने के बाद हिबिस्कस के प्लांट में आगे चलकर फ्यूचर में तीनों ब्रांचेस में अलग अलग कलर की फ्लावरिंग होगी। ग्राफ्टिंग की पूरी प्रोसेस को जानने समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। ग्राफ्टिंग का कंप्लीट अपडेट भी हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ग्राफ्टिंग करने के लिए मैंने ऑलरेडी ब्रांच जिसे सायन कहा जाता है उसका सिलेक्शन कर लिया है। इसके सारे पत्तों को हम रिमूव कर लेंगे। पत्तों को रिमूव करने के बाद इसको हमें कट कर लेना है। इसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर के लगभग होनी चाहिए। इससे ज़्यादा लंबा हमें नहीं लेना है। फिर इसके बाद हमें दोस्तों इसे भी के आकार में छीलना है। आप भी कुछ इस तरह से छील लीजिएगा। इसके बाद हमें जिस ब्रांच में इसे ग्राफ्ट करना है उसमें ऊपर से ठीक सेंटर में एक कट लगाना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ठीक इसी तरह से हमें कट लगाना है। देन जिस सायन को हमने अभी रेडी किया है ग्राफ्ट करने के लिए उसे इसमें डालेंगे। आप देख सकते हैं सायन रूट स्टॉक वाले ब्रांच में अच्छे से फिट हो गया है। इसके बाद हमें इसे पॉलीथीन से अच्छी तरह से एयर टाइट बांध देना है। दोस्तों, इसे मैंने अच्छी तरह से बांध लिया है। ठीक इसी तरह से बाकी ब्रांचेस में भी ग्राफ्ट किया हुआ है। इस प्लांट की प्लास्टिक वाली ग्रो बैग पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। इसके रूट्स अब बाहर तक आ रहे हैं, इसलिए इसे मैं दूसरी ग्रो बैग में शिफ्ट कर लूँगा। हमारा ग्राफ्टिंग का प्रोसेस अब रेडी हो चुका है। अब लास्ट में हमें सारे ग्राफ्टेड ब्रांच को पॉलीथीन से कवर कर देना है ताकि इसकी नमी बाहर ना निकल पाए। अभी कुछ दिनों तक हमें इसे छायादार जगह पर रख देना है। ग्राफ्टिंग किए हुए 7 दिन हो चुके हैं। आज इसे ओपन करके देखेंगे कि हमारी ग्राफ्टिंग की क्या स्थिति है। दोस्तों, हमारी तीनों ग्राफ्टिंग पूरी तरह से सक्सेस हो चुकी है। इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी बांधी गई पॉलीथीन को हमें खोलने में जल्दबाजी अभी नहीं करनी है। अभी कुछ दिनों तक और वेट करेंगे। चलिए कुछ और दिनों के बाद का अपडेट देख लेते हैं। 14 दिनों के बाद कुछ इस तरह से इसकी ग्रोथ चल रही है। अब इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखा जा सकता है। चलिए और कुछ दिनों के बाद का अपडेट देखते हैं। दोस्तों, यह फाइनली 20 दिनों के बाद का अपडेट है। यह काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो भी कर रहा है। जब कभी इसमें फ्लावरिंग होगी तो प्रत्येक शाखा में अलग अलग रंगों के फूल खिलेंगे। एक ही पौधे में 3 रंगों के फूल खिलेंगे तब हमारा यह हिबिस्कस का प्लांट देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक लगेगा। एक बात का हमें और ध्यान देना है जो ग्राफ्टिंग में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ग्राफ्टेड पार्ट से नीचे अनवांटेड शूट्स को ग्रो होने नहीं देना है। उसे बीच बीच में चेक करके रिमूव करते रहना है, तभी प्लांट की जो पावर है वह सीधे ग्राफ्टेड ब्रांच को मिल पाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा।
इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए हमारे एग्रोफिल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपको इस चैनल में ग्राफ्टिंग, सीडलिंग, एयर लेयरिंग, कटिंग, गार्डनिंग की सभी तरह की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।